दुर्योधन का अंतःकरण देखिए, उसका स्वरूप देखिए। रजोगुण प्रधान चित्त है उसका, रजोगुण प्रधान चित्त है। रजोगुण में प्रतिशोध और अहंकार बहुत होता है, उसी के जिद के कारण यह महाभारत हुआ, उसी के जिद के कारण महाभारत हुआ। भगवान के उपदेश दे दे, लेकिन एक बात है, वैचारिक दुगलापन नहीं है दुर्योधन में, वैचारिक दुगलापन नहीं है। बड़ा साफ बोलता है, बड़ा स्पष्ट बोलता है। रजोगुण में वैचारिक दुगलापन होता, कपट होता है, बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ, करेगा कुछ। लेकिन दुर्योधन में एक विशिष्ट बात यह है कि वैचारिक दुगलापन नहीं है। विदुर को अपमानित करना था तो प्रत्यक्ष अपमानित किया। अरे मेरे टुकड़े पर पलने वाले मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है क्या? भगवान दूत बंद कर गए, बोले दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, प्रजन पर रसन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे नहीं सका, आशीष समाज को ले नहीं सका, उल्टी हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। जब नाश मंदिर पर छाता है पहले विवेक पर। भगवान ने कहा अरे तू इतना नहीं समझता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। भाई हैं, आधे के हिस्सेदार हैं, आधा देना ही धर्म है, धर्म का आचरण कर। दुर्योधन ने साफ साफ कहा केशव ये शास्त्र की बात मत बुझाओ पंडित जी। दुर्योधन ने कहा ये मत मुझे बताओ केशव कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, मैं जानता हूं पाप क्या है, मैं जानता हूं पुण्य क्या है, लेकिन धर्म करने की प्रवृत्ति नहीं होती और पाप से मेरी निवृत्ति नहीं होती। रोग तो मेरा यहां है, इसका कोई इलाज है तो कर दो, मुझे धर्म क्या समझा रहे हो। मालूम है कि जो मैं कर रहा हूं वह धर्म है, लेकिन लगता है कि जबरदस्ती मुझसे कोई करवा रहा है। बलात् जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, ये रोग है। जानामि धर्मम, धर्म में भी जानता हूं क्या है धर्म, क्या है पाप, क्या है पुण्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का विधि निषेध क्या है मुझे पूरी तरह पता है, लेकिन धर्म में मेरी रुचि ही नहीं है। क्यों नहीं है? मन बिगड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, पूर्व DGP बिहार। आप जानते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं सनातन की सेवा कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है आप मुझे फॉलो करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके और सनातन की सेवा हो सके। नमस्कार।